एल्बम के बारे में, हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड? ओके, तो बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, पहले हमने इस गाने की ट्यून बनाई हुई थी एंड देन फिर मेरे और मेरे लिरिक्स राइटर जो है और जो मेरे को मैनेज करते हैं एस मुख्तियार पाजी, हम दोनों ने ये गाना लिखा बैठ के, और फिर इसका म्यूज़िक पूरा डिज़ाइन किया गया कि अब इसका म्यूज़िक प्रॉपर कैसा रखना है, सिनेमैटिक रखना है, रॉक स्टाइल रखना है, ये वो हुआ। फिर उसके बाद मैं मोहित भाई को जानता था पहले से और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो फिर स्टोरी डिज़ाइन करने के बाद हमें चाहिए था एक अच्छा विलन और एक अच्छी एक्ट्रेस जो बहुत मतलब क्यूट लगे और जिसकी एक्टिंग भी बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर अवनी देन मोहित इस प्रोजेक्ट पर ज्वाइन हुए साथ में। एक्चुअली करण भाई ने मेरे को सीधा बोला था कि तेरे को वीडियो करनी है, तो उन्होंने मेरे को ऑप्शन नहीं दिया था कि तेरे को वीडियो करनी है, तू विलन है, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा ठीक है फिर ओके। क्योंकि लोग इसको हमेशा मोस्टली कॉमेडी जॉनर में देखा लोगों ने और इसके लुक बहुत अच्छी है विलन में, बहुत अच्छा एक्टर है, तो इसलिए अब लोग अब काम तो देख ही रहे हो वीडियो पे। ओके, मेरे ने ना कंपोज भी करा गया है और उसको लिखा भी गया है अलग तरीके का, क्या जो विलन स्टोरी लाइन किसने डिजाइन करी थी? स्टोरी लाइन मैंने और मेरे जो डायरेक्टर साहब है कमलजोत पाजी, उन्होंने डिज़ाइन किए साथ में बैठ के, हमने किए। अब ये हमेशा जहन में थी? हाँ, क्योंकि जब ये स्टोरी बनी थी तो हमने सोच लिया था कि हाँ अब इसमें हमें अवनीत के साथ काम करना है। एक्चुअली मेरे को अच्छा लगा, अवनीत बहुत अच्छा एक्ट करती है, बहुत अच्छी एक्टर है, करण भाई ने बहुत अच्छा करा, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग करने को मिलेगा, तो मैं और थोड़ा एक्टिव हो गया और थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि मेरे को ये करना है, और आई थिंक मैंने जहाँ तक हो सकता था अच्छा ही किया होगा। एक नई म्यूजिक कंपनी का जन्म हो रहा है, हीरो म्यूजिक, वो जन्म पहले हो चुका है, वो ऊपर चढ़ रहा है, उसे चढ़ने दो। तो वो सीन ऐसा था बेसिकली, जब हम बाइक वाला शॉट शूट करते हैं तो आगे साथ साथ आपके गाड़ी चलती है, तो वो गाड़ी जब आगे चल रही है तो हम क्लोज थे और उसके वजह से आपको आगे से जो टर्न्स होते हैं शार्प टर्न्स, उसमें पता नहीं चलता क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा है, तो सडनली वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी एंड हमारा जो टायर था वो थोड़ा स्किड कर गया क्योंकि रोड का लेवल थोड़ा अप डाउन था, बस वहाँ पर थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है गिरने की वजह से। श्योर, अगर लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया तो ज़रूर हम लोगों को वापस कुछ इससे बड़ी चीज़ देंगे। सो मेरे ने ना बहुत ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट है मेरे लिए एंड वंस करण टोल्ड मी अबाउट इट एंड वंस आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज सो सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वाज लाइक यस 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 डन, मतलब करना है गाना एंड इट्स वेरी स्पेशल टू मी, द सॉन्ग इज रियली ब्यूटीफुल एंड हम लोगों ने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है टू यू नो शो अ होल स्टोरी इन अ वीडियो यू नो। So 3.5 मिनट में आप इतनी बड़ी स्टोरी आप दिखा रहे हो और इतने जगह के शॉट्स है, फ्लैशबैक्स, ये वो बहुत कुछ है, सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। कैसा एक्सपीरियंस रहा और स्टोरी अलग तरह से कही जा रही है, हम लोग बहुत मिली करते मारते हैं जी, कहानी कई बार आपको अटैच कर जा रही है सर्विस के साथ। राइट आई गेस म्यूजिक के साथ साथ वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो कनेक्ट करने चाहिए, उन्हें यू नो रिलेट करने चाहिए और एक बार वो कनेक्ट कर लेते हैं बस तो उनको यू नो अच्छा भा जाता है वो गाना बहुत। सो आई गेस म्यूज़िक के साथ साथ वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी क्रिएटेड सच गुड कॉन्टेंट एंड फॉर द ऑडियंस। बॉन्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हमारी, मैं और मोहित भाई पहले से एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, बहुत टाइम हम रहते हैं साथ में और अवनीत को भी मैं पहले से जानता हूँ और इस वीडियो के साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया वीडियो के शूट के टाइम पे, वीडियो के शूट के बाद जो हमारे प्री प्रमोशन चल रहे थे और हम ऐसे भी मिले, तो जो हम तीनों की जो बॉन्डिंग हो गई वो अब लाइफ टाइम वाली बॉन्डिंग हो चुकी है। एक्चुअली लाइक शूट ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला, हम बहुत मज़े में अच्छे से मतलब बहुत ईजिली हो गया और अच्छा लगा, लाइक लगा कि हाँ एक टीम वर्क कर रही है, बहुत अच्छा था। Yeah, I definitely agree with that because audience is loving it and we'll do what audience loves. So, abhi music video ka bahut craze hai and people are loving to watch, you know, short films actually you can say with music. So it's like a musical and I'm so happy to be doing such great projects right now that my fans are loving. So please keep supporting and please keep loving. Thank you so much. Thank you so and much. मैं चाहूँगा कि अब हम एक बार इनवाइट करें जो वीडियो के डायरेक्टर है। Yes, please. डायरेक्टर साहब एंड जो प्रोड्यूसर एंड राइटर है मुख्तियार पाजी। मुख्तियार पाजी।
हीरो म्यूजिक के प्रोड्यूसर एंड इस सॉन्ग के राइटर हमारे साथ, और ये वीडियो डायरेक्टर हमारे साथ कमलजोत पाजी फ्रॉम चंडीगढ़। मेरा कास्टिंग में सिर्फ मोहित भाई को लेकर था, मैंने मोहित भाई के लिए बोला था। एक्चुअली मैंने बोला मेरे को एक जो कूल भी लगे, जो मेरे को जो कूल भी लगे और विलन भी लगे, है ना। तो इन्होंने बोला मेरे को कि है मेरे पास, मैं कहा कौन, इन्होंने मोहित चिकारा नाम दिया, मैं कहा डर, दूसरी ऑप्शन ही नहीं छोड़ी, मैं कहा वो कर लेंगे, कहता मैंने बोल दिया वो करेगा बात। और फिर इन्होंने पूछा कि हम फीमेल लीड किसको ले, मैंने बोला कि अमित, मैंने प्रोफाइल भेजी, इन्होंने बोला डन डन। मैं तो गाने के बारे में बता सकता हूँ कि मैंने लिखा भी, हम ऑलरेडी करण भाई ने गाने की धुन बना रखी थी, तो मैं जैसे मुंबई आया, मुंबई आते रहते तो आते जाते रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये धुन बनी हुई है तो इसके ऊपर कुछ लिखना है। मैं कहा इस बार पंजाबी नहीं लिखते, इसके ऊपर हिंदी लिखते हैं, ठीक है ना। तो मुश्किल से गाना लिखने में हमें 10 मिनट लगे होंगे, गाना बहुत अच्छा तैयार हो गया, तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, तो जिसका रिजल्ट अब आप सबके सामने ही है। जो पाजी ने आपको, पाजी ने 300 गाने लिखे हुए आज तक, तो मुख्तार पाजी बहुत अच्छे, इनको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर एक बार हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है और एक बार वो फ्लो बन जाता है तो 10-15 मिनट लगता है लिरिक्स को प्रॉपर कंप्लीट करने में, फिर पॉलिशिंग करने में तो 1-2 हफ्ते लग जाते हैं पूरे गाने को अच्छे से रिकॉर्ड करने में, पॉलिश करने में। लिखने में कोई इतना वो ज़्यादा नहीं लगता, ये तो गॉड गिफ्ट है। A lot of things actually, and एक के लिए तो मैं अभी सुबह ही we did a photo shoot for that, and बहुत ही exciting और बहुत ही amazing songs and projects are coming up, so stay tuned guys and I'll let you know about that definitely. मेरे नैना रोंदे ने तेरे सपने आंदे ने, ओ मेरे नैना रोंदे ने तेरे सपने आंदे ने, रब्बा वे क्यों तू इश्क बनाया, क्यों ऐसा मुझे यार मिलाया, जिसका तो बस प्यार परे भी उसे चाके भी भूल न पाया, रब्बा वे तू इश्क बनाया, क्यों ऐसा मुझे यार मिलाया, जिसका तो बस प्यार परे भी उसे चाके भी भूल न पाया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी। सो अटैचमेंट इज गोना कम वेरी सून एंड होपफुली इसी मंथ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिलीज दिस मंथ ओनली, एंड जब भी रिलीज डेट फाइनलाइज होता है सो ऑब्वियसली मैं अपने सोशल मीडिया पर शेयर तो करूँगी आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ वो भी देखना और इसे भी प्यार देना। हिंट आपने टीजर तो देख ही लिया होगा, तो बस इतना ही बोलूँगी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे बाप रे, धीरे धीरे बस आ रही है वो न्यूज़ भी, आ रही है या वो भी अब आ ही रही है, आ रही है वो न्यूज़, यस अभी मैं बताऊंगी नहीं बट बस थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। या खुदा, अरे अभी तो टक्कर वक्कर किसी को नहीं दे रही हूँ मैं, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय सेल्फ। हां अभी All the best to all the contestants and to Mahira also, I know her. And let's see, and audience ko pasand aaye ye season bhi, jaise hamesha hi har season pasand aata hai. So all the best to all the contestants, best luck. Favorite? Abhi let me see the game na, first time hi pehle favorite ban jayega. Thank you so much. Thank you. मेरे लिए क्यों बुकला गए तुम, क्या एंटरटेनमेंट के लिए सेट पे चाहिए था एक बंदा और एक्टिंग के लिए चाहिए था, तो मिक्स होके एक बना लियो, क्या एंटरटेन भी करेगा एक्ट भी कर लेगा।
यस ऑफ कोर्स. सो इसमें बेसिकली अभी मैंने इससे पहले वाला सॉन्ग करण का था बेकद्रा, उसमें मैं ही थी. तो करण और मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए. सो मोहित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड करण इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. एंड देन देयर इज अवनीत, शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब एज वेल. सो सब ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम लविंग द सॉन्ग. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई शॉट विद, क्योंकि हम लोगों ने हम दोनों में एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है. सो वी हैव बीन सुपर एनर्जेटिक ऑन शूट्स एंड रेगुलर डेज में भी ही इज़ वेरी एनर्जेटिक. सो वी हैव फन वाइल शूटिंग एज वेल. सो वी हैड फन. यस बहुत कूल है, क्योंकि आई थिंक मोहित को हमेशा से विलन बनना बहुत पसंद है. सो आई नो मोहित सिंस दिल्ली ऑफ कोर्स. So we know each other since 4 years now. So usko villain hi banna tha. So I'm really glad wo villain ban gaye. Uska kind of a debut. We can say last song humne saath kiya tha, usme bhi wo villain tha. So I think he has done a great job and overall love story bahut cool hai. Kyunki song mein agar hero heroine ke saath villain na ho, tragic ending na ho, to song mein utna maza nahi aata. So I think ye song bahut hi amazing hai. Yes. Yes, I'm glad you guys are liking it and fingers crossed for the new show, because new show, new beginnings, new things are starting. So I think Vikram bahut hi pyara co-actor hai, bahut hi pyara co-star hai and we are enjoying shooting and in fact Gul ma'am bhi sets pe hoti hai, to hame set pe bahut masti bhi hoti hai. Saath saath direction mein bhi, matlab jo wo direct bhi karti hai, wo support karti hai, wo mujhe khud dance sikha deti hai ki Aditi aise karo aise karo. So I just uploaded that picture as well. So I think it's super fun, team bahut pyari hai and I'm loving each and everything about it and thank you so much for loving it. आई थिंक सबको बहुत प्यार लग रहा है. एवरीबडी इज़ लाइक दिस लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल फेरी टेल एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेरी टेल. सो आई एम श्योर कि अभी सुपर नेचुरल चीज़ें कुछ ज़्यादा चल रही है, आई नो. सो इट इज़ गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ सुपर नेचुरल बट इट इज़ स्टिल गोना बी अ लवली रोमांटिक स्टोरी विच एवरीबडी इज़ गोना लव. It is a question, I don't know if I can reveal it right now, but I think a lot of you already know this, so I cannot comment on that right now, but very soon, next, matlab this month almost. Yes, right. ऑनेस्टली मैंने जब भी मैं बिग बॉस आता था, जब बिग बॉस का क्रेज़ था स्टार्टिंग के सीज़न में, तब मेरा एक्चुअली बोर्ड चल रहे होते थे, हाफ ईयरली चल रहे होते थे, तो उस टाइम देख नहीं पाई. उसके बाद वो क्रेज़ मेरा टीवी से हट गया क्योंकि पढ़ाई शुरू हो गई और कॉलेज शुरू हो गया. सो आई एम नॉट अ पर्टिकुलर बिग टाइम फैन ऑफ बिग बॉस, बट येस आई फॉलोड इट इन बिटवीन ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. एंड अभी मेरा फ्रेंड पारस गया हुआ है, देन माहिरा इज़ देयर. सो विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप अच्छे से खेले गेम. Thank you guys, thank you. मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा अवनीत को और ये तो भाई को. मैं दोनों सुपरस्टार हैं, अभी तो शुरुआत की है इन लोगों ने, ऐसे बहुत सारे हिट्स देने हैं और अब मैं चाहूँगा बस खूब सारा प्यार ऑडियंस इन दोनों को दे और एल्बम ज़रूर सुने, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा गाना है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा कर रही हैं आप, मतलब बच्चों में क्रेज़ इतना ज़बरदस्त है, सुपरस्टार है अवनीत कौर. कपिल शर्मा शो में तो पता नहीं, पर जल्दी से एक मेरी फिल्म आ रही है
उसको मैंने साइन किया, वो आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। किस तरह का रोल है थोड़ा वो बता दीजिए आप? ये सब डिस्क्लोज अभी मैं नहीं कर सकता, पर मैं ज़रूर जैसे ही फिल्म आएगी तो सभी को बताऊँगा। मुझे बहुत पसंद है और रोमांस केमिस्ट्री कमाल है भाई। थैंक यू। मैं तो ढेर सारा चाहूँगा, जैसे मुझे पसंद आई है, मैं चाहूँगा ढेर सारा प्यार लोग भी दें इसी एल्बम को। और जोड़ी कमाल है, खूब सारी अभी तो आप लोगों ने और हिट देने हैं। बस थैंक यू। रेडी? सो गाइज, हमारे साथ है पंजाबी सिंगर दिल संधूपा जी, और इनके बहुत सारे गाने आए हुए हैं पंजाब में, एंड ये भी हमारे साथ यहाँ बेस्ट विशेस देने आए हैं अपनी। रूपा जी को बहुत बहुत मुबारकें, और गाना एक्चुअली बहुत बहुत बढ़िया और गाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा आ रहा है, और आप सब लोगों ने चक देना पट्टे और कर दो शेयर सारे, है ना। थैंक यू सो मच दिल भाई, थैंक यू। तो अभी कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? वेट एंड कम, ये ऑलरेडी बाहर हो गया ना, इसलिए तू आप एक मिनट रुको, प्लीज कम, इट्स योर सॉन्ग, इट्स फाइन, कम, मैं और ऋषा साथ में खड़े रहेंगे। ओके, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू टू। इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी जहां दोस्तों को जरूरत हो, क्या है ना कि अगर आपको वक्त निकालना है तो आप निकाल लेते हो, और अगर नहीं निकालना है तो कोई मुझे अपनी सीट से नहीं हिला सकता है। सो आई हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक फ्रॉम द शूट, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू रश बैक, क्योंकि मेरे हाउस गेस्ट मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। ये बिकॉज सी आई एंड अवनीत ना, हम लोग बहुत एक दूसरे का काम देख के ऐसे ना टाइम पास करते रहते हैं। तो क्या है कि उसका जब भी कुछ इंटरेस्टिंग आता है, आई रियली एंजॉय वॉचिंग इट, एंड आई एम अ वेरी गुड क्रिटिक टू हर, एंड आई लाइक व्हेन आई सी हर ऑन स्क्रीन, शी इज जस्ट वेरी वेरी गुड, एंड टुडे आई गॉट टू सी हिम एज वेल, एंड आई रियली थिंक क्या तेरी आंखें बहुत अच्छा है स्क्रीन पे, बस थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए तुमको वेट, रिड्यूस मैंने किया हुआ था, थोड़ा सा अभी गेन हो गया, वो इसीलिए बोल रहा हूँ, लॉन्च चला तेरा, पहले मेरा वेट कम था इससे, या मच बेटर। एक्चुअली आई थिंक दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, देर इज समथिंग वेरी नाइस अबाउट इट, बिकॉज आप कहीं पर भी फील करते हो तो इन दोनों के लिए फील करते हो, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज रियली नाइस अबाउट इट। बहुत बड़ी सपोर्ट है ये आई ही केम टुडे एंड मींस अ लॉट टू मी, इट मींस अ लॉट टू अस, राइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपका सर बहुत टाइट शेड्यूल भी है, थैंक यू सो मच, बाप रे हो गया, चलो गाने की बात करो, अरे मत कर ऐसे इसको, बस यही बोलूंगा कि सर आए इतनी बिजी शेड्यूल में और हमारे गाने को अपनी ब्लेसिंग्स दी, अब इससे ज्यादा क्या है, कब ब्लेसिंग्स दी, मेरे को पसंद आया, मैंने आके देख लिया, मेरी फ्रेंड का गाना है, तो मैं आई वुड जस्ट लाइक टू कम एंड सी एंड जस्ट हैव फन, यस यस इट हैज स्टार्टेड, वापस चालू हो गया है वो 3 महीने जब सबकी वाट लगेगी, हर न्यूज़ पे हर ट्वीट पे कुछ ना कुछ रैंडम होगा, और एक रैंडम सा कोई इंसान वहाँ घर में कुछ बोलेगा और हम सब की नींदें उड़ जाएंगी, बिकॉज हर किसी को उसके पीछे कुछ ना कुछ न्यूज़ ढूंढनी पड़ेगी, यस दैट टाइम ऑफ द ईयर इज़ हियर, तो हम सब की लगेगी, वेरी नाइस। हाँ मैंने देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है, अभी मेरे घर पे भी बहुत क्लैशेज हो रहे हैं, अगर पता हो तो, मतलब हाँ तो मैं तो पता, ये बहुत आर्डेंट व्यूअर हैं इस स्पेस की, मैं तो वहाँ का बैठ के काम करना पड़ता हूँ, हम इनको डेली देखते हैं। In my house or in Big Boss? In Big Boss house, actually, मैंने ना सब तो कंटेस्टेंट मुझे मालूम नहीं है अभी तो, मैंने देखा ही नहीं है, बिकॉज आई बीन शूटिंग थ्रू आउट, बट आई हैव हर्ड देयर इज रश्मि देयर दिस टाइम, रश्मि इज़ वेरी गुड, एंड देबुलीना इज गोइंग टू सरप्राइज पीपल, आई एम टेलिंग यू, वो जैसी लगती है वो बिल्कुल ऐसी है नहीं, तो उसमें है, उसमें काफ़ी कुछ है, और उसके अलावा देयर कपल ऑफ मोर पीपल हु वी ऑल हैव सीन, सो लेट्स सी, वो बिग बॉस जो घर है ना वो आपको आपसे बिल्कुल अलग ट्रीट करता है, सो यू विल बी सरप्राइज कौन कैसा निकल के आएगा वहाँ। जैसे आपने कहा कि देवेंद्र वैसे हैं, निजी तजुर्बा भी रहा है? निजी तजुर्बा मेरी फ्रेंड है वो, इसलिए मैं जानता हूँ उनको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं आजकल आप, हैं क्या बात है। देखो पर्ल, मनदीप और रमीज वाइल्ड कार्ड नहीं थे, वो गेस्ट्स थे जिनको ऑप्शन मिला था कि वो हाउस गेस्ट बन सकते थे, पर्ल बन गई, शी डिड वेरी वेल, बट लव त्यागी घर पे एंटर कर चुके हैं, मैं उन्हीं को वापस
विराजमान करा के वापस आकर वापस जा रहा हूँ. सो यस, लव इज़ इन द हाउस. तो आप तो खेल में थोड़ा मज़ा आएगा, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जब तक आपका कॉम्पिटिशन और तगड़ा नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता. देखो ये जो घर है ना और ये जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, एंड इट्स नॉट अ रियलिटी शो. जिसने देखा होगा उसको समझ में आएगा दिमाग का खेल है, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी देयर. और फिर मैं उनकी जो वाट लगाता हूँ वो अलग है. जिस भी डिसीजन से वो लोग भागते हैं वही डिसीजन उनको लेना पड़ता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट्स गोइंग टू बी. अरमान मलिक भी आने वाले हैं, आके गए कल टेलीकास्ट है, वेरी नाइस. पर मैं बोल रहा था इन लोगों को आना चाहिए था गाना लेके अपना. अरे यार इनके दिमाग में नहीं आया, भूल गए, बोला नहीं. अटैचमेंट के लिए आ जाएंगे. अच्छा चल, मैं वैसे भी तेरा गाना चला दूंगा. सुबह उठता उठाता हूँ मैं अपने हाउस गेस्ट को ऐसे. ठीक है, डन. सिद्धार्थ में आ जाएंगे. हाँ डन, ओके. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. फिर हाँ, एक मिनट. लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये गाना बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा हाँ, एस ऑफ स्पेस भी एक शो है, वो भी देखते रहो. ऑब्वियसली. चलो एक बार उनको भी बुला ले, भावेश. हाँ भावेश अंदर है. अरिश्मा, अरे वो करेंगे. अरिश्मा तू भी तो कुछ बता. 21 साल ऐसा हो गया ना. मेरे पास कार्ड. अरिश्मा के साथ बात करें, अरिश्मा के साथ बात करते हैं. चलो आ जा, आ जा. हाँ जस्ट मैंने दिन में देखा 3 बजे, मुझे बहुत पसंद आया. और अरिश्मा ने जो टीजर है वो लोगों से पहले टीजर देख लिया था. यस, हमने पार्टी में स्पेशली पार्टी में ही देख लिया था मैंने. मुझे दोनों बहुत क्यूट से लगे, ये तो है क्यूट, बट मुझे दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी. एंड मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी गाने की. लास्ट में दोनों मर जाते हैं, मुझे वो स्टोरी कुछ अलग लगी एंड अच्छी लगी. बाकी मुझे पूरा जो स्टोरी हुआ, शूट हुआ, लोकेशन हुआ, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग. सो यारा टू इज़ कमिंग सून. आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड है एंड कन्फ्यूज भी है कि क्या होने वाला है यारा टू में. सो उसके लिए थोड़ा वेट करिए, हम जस्ट शूट करने जा ही रहे हैं थोड़े दिन में. तो अभी आने वाला है वो, तो उसको भी प्यार दीजिएगा और इनके गाने को अभी ज़रूर प्यार दीजिएगा. एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बहुत सारा प्यार दे इनके गाने को. ट्रेंडिंग पे बनाओ. थैंक यू. भावेश, भावेश उसको सुनाई नहीं दे रहा. जय को बोला वो क्यों नहीं कर रही है. नहीं कर रहा. अरे 21 रनिंग है तुम्हारा. बहुत खूबसूरत है अवनीत, तो टैलेंटेड एक्टर है ही. She is a very talented actor. She is a very good human being. She is a wonderful dancer. So every time uska koi song aata hai, to we look forward ki pehle hum dekh le, fir event to hota rahega. To it's a beautiful song. It's a very nicely done, very nice lyrics, very nice melody. It's a beautiful song. अवनीत इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि 9 रस दे दो उनको 9 पलों में तो वो हर रस से जंप करेंगी. देर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु कैन डू दैट, जंपिंग फ्रॉम सैड टू हैप्पी टू अ डिफरेंट इमोशन. सो शी इज़ डन इट ब्यूटिफुली. आई डिडंट एक्सपेक्ट एनी लेस ऑफ हर, सो शी इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मी. बेस्ट खूबी अवनीत की है कि मैं उसको कभी ग्रम्पी नहीं देखती हूँ, वो कभी डाउन नहीं होती, वो कभी लो नहीं होती. शी इज सो फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम गिवन द काइंड ऑफ वर्क शी डज, गिवन द हर एज, शी इज़ अ किड स्टिल बट शी इज सो फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम. बहुत, क्योंकि जैसे एक माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये कहना कि कौन सा बच्चा ज़्यादा फेवरेट है. मैं सिर्फ इस बात से डरती हूँ कि दोनों ने अगर पूछ लिया कि हम में से एक चूज़ करो कि किसी ने बेटर परफॉर्म किया है तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी.
सो मैं सब फैन से आउट देयर ये कहना चाहूँगी कि आप हमें वो चीज़ देते हो जो सबसे कीमती है, आपका वक्त. सो उससे ज़्यादा हमें मिल नहीं सकता और उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक वही चीज़ है जिसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है. आप लोग अपना वक्त देते हो, आप लोग अपनी खुशियाँ देते हो, आप लोग अपनी दुआएँ देते हो, तो ये प्यार, ये दुआएँ बरकरार रखिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. वेल, आज दिन अच्छा है क्योंकि इतना प्यारा सॉन्ग आया है. एंड कंग्रेचुलेशन टू करण भाई एंड अवनीत. मैंने वीडियो देखी, बहुत अच्छी वीडियो है, पूरी एकदम मूवी जैसा शूट किया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है भाई ने भी और अवनीत ने भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक अवनीत ही खास है, इसीलिए वो किसी भी वीडियो एल्बम में होती है वो हिट होती है. मैंने भी आज अपने सारे इंटरव्यूज में बोला कि मैंने इससे यही चीज़ ऑब्जर्व की है कि कैसे आप अपने एक्टिंग में स्विच करते हो, बहुत जल्दी ये स्विच करती है हर टाइप के वेरिएशंस पे. Yes. बहुत अच्छी बात है. Yes. अमित, विकास, एवरीवन इज हियर टू सपोर्ट. या इमोशनल, ये भगवान, इमोशनल तो आप अटैचमेंट देख के होंगे. सो बहुत बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम गेटिंग सो मच लव एंड सो मच सपोर्ट फ्रॉम द पीपल दैट आई लव. सो विकास ऑल्सो जस्ट केम एंड ही वेंट एंड बहुत अच्छा लगा. आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं एंड प्लीज़ अगर किसी ने नहीं देखा है मेरे ने ना, देन गो एंड वॉच इट राइट नाउ ऑन यूट्यूब. थैंक यू. उसके बारे में क्या बताएं भैया, वो बहुत प्यारा सॉन्ग है और अवनीत और मैं उसमें फीचर कर रहे हैं. सो वो दोनों, वो जो सॉन्ग है वो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है. बट आज मैं कहूँगा कि आज मेरे नैना है तो, और ये तो ये नैना वही लगे तो फिर लोगों को पता ही है इन दोनों के बारे में. अरे अरे अरे, इन दोनों दोनों ही इतने टैलेंटेड है और फिर वो प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा, कोई डाउट नहीं. थैंक यू सो मच. वेल नो डाउट, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग. गल करके इज कमिंग टुमारो. और उसमें मेरा लुक बहुत अलग है, एकदम कूलेस्ट स्कूल बॉय बैक बेंचर जो मैं कभी नहीं था अपने स्कूल लाइफ में. चलो ठीक है, तुमने एक्सपीरियंस किया, इट्स गुड. ऑलराइट, वी आर डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.